हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज के मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ UCS आइकन के बारे में, क्योंकि UCS आइकन जब हम लोग कोई भी ड्राइंग बनाते रहते हैं तो UCS आइकन जब हम लोग जूम इन और जूम आउट करते हैं तो वो बीच में मूव करते रहता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो हम लोग इसे क्यों ना इसे ओरिजिन पे फिक्स कर दे, तो हम लोग कैसे फिक्स कर सकते हैं? तो इसके लिए हम लोग को UCS आइकन एक कमांड टाइप करना पड़ेगा। तो UCS आइकन ICON देख सकते हैं यहाँ पे आ गया, हम लोग को इंटर करना है। ओके, अब इसके बाद हम लोग को एन इंटर करना है। एन इंटर करने के बाद देख सकते हैं ये ओरिजिन में यहाँ पे आकर फिक्स हो चुका है। तो इस प्रकार ये फिक्स हो गया, देख सकते हैं। अब मैं जूम इन और जूम आउट कर रहा हूँ तो ये इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास दूसरा मेथड है, हम लोग उस दूसरा मेथड का कैसे यूज कर सकते हैं? तो इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। ओके, और इस पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर पे हम लोग जाएंगे और सेंटर पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे बॉटम में UCS आइकन सेटिंग, इस पे जाना है आपको। यहाँ पे देखना है शो UCS आइकन एट ओरिजिन, तो हम लोग इस पे क्लिक करके हम लोग इसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये हम लोग इस पे टिक कर दिए तो ये बीच में मूवमेंट करने लगा। बट इस प्रकार हम लोग इस पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और UCS आइकन सेटिंग पर जाएंगे और इसे अनटिक कर देंगे। देख सकते हैं आकर यहाँ पे ये फिक्स हो चुका है। तो इस प्रकार आप लोग UCS आइकन को ओरिजिन में फिक्स कर सकते हैं। पहला मैं बताया कि आपको क्या करना है, तो सबसे पहले UCS आइकन क्लिक करके और इंटर करना है, उसके बाद आपको एन इंटर करना है। उसके बाद फिर मैं सेकेंड मेथड बताया कि आप लोग को इस पे क्लिक करना है UCS आइकन पे, और UCS आइकन पे क्लिक करने के बाद उसके सेंटर पे जाना है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। उस पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको देख सकते हैं यहाँ पे UCS आइकन सेटिंग पे क्लिक करना है, जिस क्लिक नहीं करना है, इस पे होल्ड करना है। ओके, और होल्ड करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी यहाँ पे अनटिक है, मीन्स यहाँ पे कॉर्नर में ये सेट है। ओके, अगर हम लोग टिक कर देंगे तो ये इधर उधर मूवमेंट करने लगेगा। तो हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को कॉर्नर में चाहिए, तो इसलिए हम लोग इसे अनटिक ही रहने देंगे। उसके बाद हम लोग इसे क्लोज कर देंगे। इस प्रकार हम लोग को आइकन को हम लोग कॉर्नर में सेट कर सकते हैं, ओरिजिन में सेट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।